स्वागत ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबर की ओर। गया के मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित महादलित बस्ती में एक शख्स ने अपने भाई की पत्नी की हत्या कर डाली। दरअसल मकान बनाने को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद चल रहा था और इसी दौरान दोनों के बीच लड़ाई हुई। इसके बाद गांव वालों ने हस्तक्षेप कर दोनों भाइयों के बीच सुलह करा दी थी। बावजूद इसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। सर सुबह कल का दरबार है तो फैसला गांव समाज को बुलाकर फैसला कराया ना, और इसी दौरान फिर रात में भी फोन किया कि रात में सुबह 7 बजे के लगभग फोन किया कि भैया फिर रात में मारपीट कर रहा है दोनों परिवार, हम लोग पटक पटक का मारा है डमकों से और डंडा से। कौन मारा है? ये सोहन मांझी और सोहन मांझी की पत्नी रूबी देवी, दोनों मारपीट किया। और सुबह में फिर फोन किया 6 बजे बहन, मेरा बहन 6 बजे किया कि भैया से आइए ना, से पर पंचायती कर दीजिए, समझाओ बुझाओ कर दीजिए, से फिर अति आ रहा टीका आया से फिर मारपीट कर रहा। और उसी एक घंटा के बाद दूसरा घंटा में यहाँ के लोग ने हमको सूचना दिया कि इस तरह की बात हो गया, आपको बहन जो है से मार के फांसी लगा दिया है, ये क्या क्या है सही जानकारी नहीं है, जैसे आपका बहन जो है से आपका मृत्यु हो गया, से आप आके अपना जो गांव समाज से जांच पड़ताल कीजिए क्या है नहीं। इसे इसी दौरान हम लोग आए फिर प्रशासन के पास गए, थाना प्रभारी के सूचना दिए।